हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और मैं जा रही हूँ संडे को मार्केट करने के लिए। तो मुंबई में जो लोकल मार्केट लगती है फ्रेंड, संडे के दिन लोकल मार्केट लगती है, उसी मार्केट में मैं जा रही हूँ। आपको पूरा शेयर कराऊंगी लोकल मार्केट की, मुंबई की लोकल मार्केट यानी संडे की। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और सच कहूँ तो हमारे बजट में वहाँ पे सामान मिलती है और अच्छी क्वालिटी की सामान मिलती है, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, क्या मैं बताऊँ। आप लोग खुद देखिए और चलिए मैं आपको शेयर कराती हूँ बैक कैमरे से, बने रहिए वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग आ गए हैं मार्केट में और यहाँ पे लग चुकी है मार्केट। बहुत बड़ी मार्केट है फ्रेंड और हर एक चीज़ की मार्केट है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलती है, कपड़े से लेके हर एक चीज़ तक यहाँ मिलती है। तो बच्चों का खिलौना, चप्पल, बैग, साड़ी, पर्दे वगैरह, जो भी टोटल घर का सामान होता है, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। काफ़ी बड़ी मार्केट है और संडे की मार्केट है, दो जगह लगती है फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं पर्स, बेल्ट वगैरह सब कुछ मिलते हैं, काफ़ी अच्छे दामों में मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुशन कवर, पेटीकोट, ब्लाउज पीस वगैरह सब कुछ यहाँ पे, थोड़े घर के गर्म मसाले वगैरह जो होते हैं खड़े, वो सब रखे हैं यहाँ पे, कपड़े रखे हैं। और संडे के दिन आप लोगों को पता ही है कि सबकी छुट्टी होती है फ्रेंड, तो सब लोग मार्केट में दिखते हैं और जाते हैं, काफ़ी शॉपिंग करते हैं। इस समय घर की छुट्टियां लगी हुई, सॉरी, इस समय गर्मी की छुट्टियां लगी हुई है, तो गांव जाने के लिए सब लोग शॉपिंग किए जा रहे हैं। सब लोग सोचते हैं गांव जाना है तो थोड़ा शॉपिंग कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ें हैं, हर एक सामान है जो अच्छे दामों में मिल रही है। औरतें, लेडीज़ें, मेरी बहनें सब लोग खरीद रहे हैं। और ये है पर्स फ्रेंड, यहाँ पे मैंने रेट पूछा था। यहाँ पे जो पर्स है 150 से 200 का रेंज है। यहाँ पे जो पर्स है, हर एक पर्स का मतलब बस दो ही रेंज था, एक 150 का था, एक 200 का था, इससे ज़्यादा रेंज का नहीं था। लेकिन अच्छा था, जैसा भी था, जैसे दाम था उस हिसाब से ठीक ही ठाक था पर्स, मैंने देखा था हाथ में लेकर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हर तरह के कपड़े हैं और यहाँ पे भीड़ इतनी लगी हुई है। पर्दे आप लोग देख सकते हैं, ये सामने स्कूल है, स्कूल का राउंड है, इसी में ये संडे मार्केट लगता है। संडे को ये छोटा सा स्कूल है, सरकारी स्कूल है, छुट्टी रहती है, इसके लिए यहाँ पे मार्केट लगती है। यहाँ पे देखिए घर का जो बर्तन वगैरह का जो होता है वो सब भी यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितने औरतें मज़े लेकर खूब ख़रीदारी कर रही हैं, पर्दे वगैरह भी हैं। जो भी यहाँ पे आप चाहो फ्रेंड वो ख़रीद सकते हो। मैं तो मार्केट करने के लिए जाती हूँ तो सच बताऊँ ना, तो मैं लिस्ट बना के लेके जाती हूँ कि मुझे क्या क्या शॉपिंग करना है, उस हिसाब से मुझे फटाफट वो सामान मिल जाती है अगर लिस्ट बना के लेके जाऊँ तो। तो यहाँ पे देखिए औरतें सारी शॉपिंग कर रही हैं। और ये देखिए स्कूल के बैग वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, जो घर के जो प्लास्टिक के जो यूजफुल जो यूज में आते हैं सामान वगैरह, वो घर के मतलब सारे सामान यहाँ पे मिलते हैं फ्रेंड। घर से रिलेटिव हर एक सामान यहाँ पे इस मार्केट में अच्छे दामों में यहाँ पे मिलते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं इधर भी पर्स है और बस एक ही वही 150-200 का रेंज है, इससे ज़्यादा का नहीं यहाँ पे पर्स मिलता है, लेकिन देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पे कपड़े हैं इसी तरह से, आप वीडियो में बने रहिए, आगे देखते रहिए और चलते रहिए मेरे साथ साथ। तो फ्रेंड सच बताऊँ तो ये वीडियो काफ़ी दिन की थी लेकिन मैंने नहीं डाल पाई थी, तो मैं सोची चलो आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अब इस मार्केट से मुझे निकलना है, अब निकलूँगी और इसी तरह से एक और मार्केट है वहाँ पे चलूँगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ चप्पल जूते दिख रहे थे, तो मुझे लेना था, तो मैंने एक देखा भी हाथ में लेकर, लेकिन वो छोटा साइज था, मुझे आ नहीं रहा था, इसके लिए मैं छोड़कर चली गई। तो ये देखिए ओनली 150 से 200 का ये भी रेंज है, इसका भी ज़्यादा रेंज नहीं है। 150-200 में कोई भी जूता, कोई भी चप्पल ले लो, ज़्यादा करके 100 रुपये वाले हैं आप लेकर सिलाई मार पे। ये देखिए ये जो मैंने उठाया था ये 100 रुपये का रेंज है, तो ये मुझे छोटा हो गया था, इसके लिए मैंने नहीं लिया, लेकिन बाद में मैंने ऐसा ले लिया है।
और ये है फ्रेंड 100 रुपीज़ ओनली 100 रुपये में। कोई भी बैंगल्स ले लो, 2 जोड़ी 3 जोड़ी 4 जोड़ी का जो भी है इसमें ना, मतलब 4 का भी सेट है 6 का भी सेट है 3 का भी सेट है 2 का भी सेट है, जो भी आप लेना चाहो सिर्फ 100 रुपये में ये मिल रहा है। मैंने इसमें से 2-3 जोड़ी लिया था जब मैं शादी में गई थी तब। इसी तरह से यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दामों में फ्रेंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल, मतलब कम दामों में कम रेंज में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो फ्रेंड ये दूसरी मार्केट है, दूसरी जगह मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पे भी वैसे ही सामान वैसे ही उसी रेट में सब मिलते हैं और बहुत अच्छे अच्छे चीज़ मिलती है। मेरा तो मन करता है मैं सारी मार्केट ही उठा लूँ, पर क्या करूँ, इतना पैसा भी होना चाहिए फ्रेंड मिडिल क्लास वाले लोगों के पास। तो यहाँ पे देखे कितने अच्छे अच्छे 30-30, 40-40 रुपया में लटकन है ब्लाउज के, और ये दरवाजे के तोरण भी है, लहंगे के भी लटकन है। और यहाँ से मैंने लहंगे का 2 लटकन लिया था, 100 रुपया जोड़ी था, बहुत बड़ा बड़ा था, बहुत अच्छा था। इस तरह से यहाँ पे देखिए भीड़ लगी हुई है, सब लोग खरीद रहे हैं क्योंकि जब छुट्टियाँ लगती है सबको गाँव जाना होता है तो सब लोग शॉपिंग करना चाहते हैं। तो उसी तरह से जैसे मैंने पहली मार्केट दिखाया उसी तरह यहाँ पर भी हर एक चीज़ अच्छे दामों में अच्छे रेंज में मिल रही है। तो मैंने काफ़ी शॉपिंग की थी, बहुत सारी शॉपिंग की थी पर्स वगैरह से ले। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड और आगे देखते रहिए, चलते रहिए मेरे साथ। तो इस यहाँ पे जो मैंने मार्केट में जो शॉपिंग की थी फ्रेंड ना, यहाँ की मैंने वीडियो जो मैंने सामान खरीदा था उसकी वीडियो मैंने क्या क्या खरीदा था इस मार्केट से उसकी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। चाहे तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये देखिए सिर्फ 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ में एक से एक लिपस्टिक, वो भी वाटरप्रूफ लिपस्टिक। यहाँ से मैंने बहुत लिपस्टिक लिया था, नेल पेंट 20 रुपीज़ में वाटरप्रूफ नेल पेंट मिलता है, बाल वगैरह के जूड़ा पिन वगैरह सब कुछ है। ये देखिए 300-400 की जो कुर्तियां हैं, जो दुकान पे जाओगे तो कम से कम 500 से ऊपर की ही कुर्तियां मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे 300-350 रेंज की कुर्तियां थी, बहुत अच्छी कॉटन की कुर्ती है, मैंने खुद चेक करके देखा था अपने हाथों से। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पे सब कुछ मिलता है और बहुत अच्छे दामों में मिलता है। एक ही बात मैं कितनी बार बोलूँ, घर से रिलेटिव हर एक चीज़ मिलती है। और
बहुत अच्छा रहता है। मुझे तो ज़्यादा मतलब सामान लेना कुछ रहता है तो मैं यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि कम रेंज में अच्छा मिल भी जाता है। और ब्रांडेड वाले जो हम सामान लेते हैं तो उसको यूज़ करते करते हम थक जाते हैं, टूटता फूटता नहीं है, चप्पल वगैरह जो होते हैं कुछ भी ऐसा होता है तो सोचते हैं कब तक पहन के हमारा मन भर जाता है फ्रेंड, लेकिन हम उसको फेंक नहीं सकते हैं क्योंकि हम ज़्यादा पैसे लगा कर खरीदे रहते हैं, ब्रांडेड चीज़ें रहती है तो फेंकने में भी ये होता है। तो इसके लिए मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा कम, ये यहाँ पे देखिए 30 रुपीज़ में जो भी लेना है आपको, सिर्फ 30 रुपीज़ में जो भी लेना है, गले का हार लेना है, साड़ी पिन लेना है, बैंगल्स लेना है, जो भी लेना है, सिर्फ 30 रुपीज़ में था यहाँ पे। तो मैं कह रही थी कि जो ब्रांडेड चीज़ें हम लेते हैं और यूज करते करते हमारा मन भर जाता है, फेंक नहीं पाते हैं, तो उससे अच्छे है कि ऐसे 200-250-300 की चीज़ें लो और यूज करके कुछ दिनों में फेंक दो। तो अभी मैं जा रही थी घर लास्ट में, अब निकल रही थी तो यहाँ पे मुझे दिख गया नेकलेस, गले का हार वगैरह जो था। तो फ्रेंड ये भी मैंने रेंज पूछा तो यहाँ का रेंज पता है आपको, ये जो बड़े वाले हार दिख रहे हैं ना लंबे वाले, वो 200 के, और छोटे वाले हैं वो 100 रुपीज़ के। थैंक यू सो मच फॉर